हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज। मैं मिसेस एन सिंह, मेरा आज का लेक्चर क्लास 12 के लिए है, जिसका टॉपिक है एक नियोजित शहरी केंद्र मोहनजोदड़ो। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था, इसे ईंटें चुराने वालों ने नष्ट कर दिया, लेकिन मोहनजोदड़ो कहीं बेहतर अवस्था में संरक्षित पाया गया, जिसका आकार लगभग एक वर्ग मील है, दो खंडों में विभाजित है, पश्चिमी और पूर्वी। पश्चिमी खंड पूर्वी खंड से छोटा था, पश्चिमी खंड को दुर्ग और पूर्वी खंड को निचला शहर का नाम दिया गया है। दुर्ग की ऊंचाई का कारण यह था कि यहाँ की संरचनाएं कच्चे ईंटों के चबूतरे पर बनी हैं। दुर्ग को दीवारों से घेरा गया है, इसका मतलब है कि निचले शहर से इसको अलग करने के लिए ऐसा किया गया है। इस खंड में सार्वजनिक भवन स्थित हैं। इन भवनों को इतिहासविदों द्वारा कार्यसूचक नाम भी दिया गया है, जैसे अन्नागार, पुरोहित आवास, महाविद्यालय भवन आदि। एक स्तंभ युक्त भवन भी मिला है, जिसे इतिहासविदों ने सभा स्थल या बाजार के रूप में माना है। इसका पूर्वी खंड कहीं बड़ा है और इसमें अलग अलग घर मिट्टी के चबूतरे पर बनाए गए हैं, लेकिन पूरा नगर किसी चबूतरे पर नहीं बना है। अब इस सभ्यता के नालों के निर्माण के बारे में जानेंगे। सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं में उसकी सुनियोजित म्यूनिसिपल व्यवस्था भी थी। यहाँ के मकान सुव्यवस्थित ढंग से बनाए गए थे। शहर के गंदे पानी की निकास के लिए जमीन के अंदर छिपी नालियाँ और गटर की व्यवस्था थी। सफाई के लिए आजकल जैसी मेनहोल की व्यवस्था भी थी। नेक्स्ट टॉपिक है गृह स्थापत्य। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में निवास गृह, विशाल भवन एवं सार्वजनिक स्नानागार मुख्य तीन प्रकार के भवन थे। यहाँ के छोटे मकान दो कमरों के, जबकि बड़े मकान महलों के आकार के होते थे। प्रत्येक घर में रसोई घर, आंगन, कुआं, स्नानागार और ढकी हुई नालियाँ थीं। दरवाजे व छतें लकड़ी के बनाए जाते थे, जिन पर चढ़ने के लिए पक्की ईंटों की सीढ़ियाँ बनाई जाती थी। मकानों की नींव पक्की ईंटों से भरी जाती थी, जिनसे इनके ऊपर सीधी दीवार खड़ी हो सके। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पश्चिमी खंड में मिले दुर्ग पर मिली संरचनाओं के बारे में बताएंगे और इस सभ्यता की शासन व्यवस्था तथा सत्ता के बारे में बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।